हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का वीडियो रहेगा कि किस तरह से एल्युमिनियम टू कॉपर आपको ब्रेजिंग करना है इंस्टेंटली, बहुत जल्दी हो जाएगा। और हमारे पास एक ब्रेजिंग कॉइल है, ये मेड इन कोरिया का है। और इससे आप एल्युमिनियम टू कॉपर, एल्युमिनियम टू ब्रास, एल्युमिनियम टू स्टील, स्टील का मतलब स्टेनलेस स्टील, और एल्युमिनियम टू आयरन से आपसे ब्रिज कर सकते हैं फटाफट इंस्टेंट। ये कॉइल 1 मीटर का होता है, 2 mm का होता है ब्रिजिंग। इसमें फ्लक्स की ज़रूरत नहीं होती है, फ्लक्स इनबिल्ट होता है। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से इसे यूज़ करना है। और अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आ रहा है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम ये वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं और ये मेड इन कोरिया का है। तो मैंने ये कोरिया से मंगाया है, मेरे पास काफ़ी लॉट आया है। तो आपको बताते हैं किस तरह से काम करता है। तो मैं फर्स्ट एल्युमिनियम टू कॉपर ब्रिजिंग करके आपको बताऊंगा और कितनी जल्दी होता है। देखते रहिए, वीडियो के साथ में बने रहिए। तो ये मेरे पास कॉपर पाइप है, इसको मैंने स्विजिंग कर दिया है और ऊपर से थोड़ा फ्लेयरिंग कर दिया है, सो दैट जो ब्रिजिंग का वो रहेगा वो सही इसमें पकड़ लेगा। और ये एल्युमिनियम का पाइप है और मैं इसमें फिट करता हूँ। तो ये हो गया है फिट, अब मैं ब्रिजिंग स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे पास नॉर्मल एलपीजी का बर्नर है, इससे मैं करूँगा। ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं, ये जो रॉड है ये 450 से 500 डिग्री में मेल्ट हो जाता है। कॉपर गर्म करना है सिर्फ। हो गया 5 सेकंड में, 5 या 8 सेकंड में आपका ब्रिजिंग हो गया है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ब्रिजिंग हुआ है। ये तो देख सकते हैं किस तरह से ब्रिजिंग हुआ है, ये काफ़ी आसान है। 5 सेकंड में आपका ब्रिजिंग हो जाएगा और आपको पाइप गर्म करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, लाल और ये जॉइंट परफेक्टली होता है। ठीक है, तो अब हम एल्युमिनियम टू आयरन करते हैं जो कंडेंसर का होता है। इसमें भी हमने स्विजिंग किया है, थोड़ा गैप दिया है साइड से, सो दैट ब्रिजिंग का रहेगा, लिक्विड अच्छा फिल हो जाएगा उसमें। हो गया 5 सेकंड का काम। तो इसको भी बताते हैं हम किस तरह से ये ब्रिजिंग हुआ है। तो देख सकते हैं फिल हो गया है वो अच्छी तरह से, वेस्टेज भी बहुत कम होता है इसमें, इंस्टेंट मेल्ट हो जाता है, 500 डिग्री के टेम्परेचर पे मेल्ट होता है वो, इसका जो एल्युमिनियम का ब्रिजिंग रॉड है कॉइल। तो आप इससे ये जो कंडेंसर होता है फिल्टर, और जो हमारा कंडेंसर लोहा का होता है वो भी आप कर सकते हैं। और इस और जो ये बताया था आपको इसके बारे में, ये मेड इन कोरिया का है और आप इसमें एल्युमिनियम टू ब्रास,
aluminum to copper, aluminum to metal, I mean iron, or aluminum to steel. इससे आप कर सकते हैं हर चीज़ फटाफट 5 सेकंड का जॉब. ये बाय करना चाह रहे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी है, आप हमारे से परचेज कर सकते हैं. फ्रीजर बॉक्स में भी होल होता है तो आप इससे कर सकते हैं इंस्टेंट 5 सेकंड में आपका ब्रेजिंग तैयार हो जाएगा. बहुत इफेक्टिव है, मैं कई दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूँ. तो आज इतना ही था इस वीडियो में, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.